धन से तेरा भंडार सदा भरा रहेगा बेटी। बाबा रघु आशीर्वाद से हमारा अन्न धन कुल बढ़िया से भरल बा। तीन तीन को बेटा बढ़, बाकी हमार वंश आगे नहीं बढ़त बाबा। दिन रात यह चिंता से तौले जाता। और वंश आगे जरूर बढ़ी बेटी, हमारा आशीर्वाद बा। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ए सिकवार के बाबू, अपन काम करा। अच्छा सिकवार के बाबू, काम हो तो बाबू सामने दबानन। अरे का भाई माई सिकवार के बाबू। अरे सुनी जी, पहले है नहीं आई पहले। अरे छोड़ा हो, हम बैल है कि खींचा ताड़ू, कुर्ता फाटे थे बाचल। अरे हम 7,000 कहाँ गई, मिलते नहीं खे। अरे छोड़ी जी, 7,000 मिल जाई, पहले है नहीं आई। बड़ी जरूरी बात बाजी, पहले हमार बात सुनी। देखी हम निकास से कुल रो कटरा खत्म हो जाए जी। अरे साधु बाबा आलो ना, अरे नहीं अरे नहीं, अब हम धोनी के को खुशखबरी सुनावे के बारे। साधु आलो ना, अरे भगवान बड़ी उपकार कहलो कि हमनी के कुल जाने को वंश आगे बढ़ी। हमरो घर में छोट छोट बच्चा आई है, हमरो खुशी का दिन। भौजी चाचू, अरे का वंश के चक्कर में दुबराइल जाता रू है। अरे हमार कुल बेटवा सन बाड़ा ना, कब से कहता नहीं कि इन्हन के स्वीकार कला। अरे यो सब तो तोहरिया खानदान के बाड़ा है। नवाब साहब, राजा सिकंदर, गोड़ बड़ा गोड़ बड़ा सर, गोड़ बड़ा गोड़ बड़ा बड़की भाई के। अरे आशीर्वाद तो देता, आशीर्वाद देता। ए पारस, हमारा घर के वंश बढ़ावे खातिर तू कहे के मुअल जाता रहो। अरे काहे न मुई है भौजी, तुहारी दूगो लइका है ई त नपुंसक निकल गई न सन। अब पूरा गांव वाला हमरा भैया के निर्वंशा कही है तो छाती फटबे करी ना। अरे तो फटत रहे ना, फारा जतरा फारे के है। और कैसे कोई निर्वंशा कही हो, अरे हमारे एगो बेटा काफी बा हो नि रहुआ। ए भौजी, अरे दूगो तो फुटल फुटला रहे, ते सरके का तो पेनिया गायब बिया। अरे निरहुआ निरहुआ करे तारू, निरहुआ से बिया करी के। और जब बिया न होई तो बच्चा कैसे पैदा होई, और जब बच्चा न होई तो वंश कैसे आगे बढ़ी है। ए चाचा, निरहुआ के बिया जरूर होई, एही जन्म में तो ना होई। ए चाचा जी, हाँ यदि बिया हो गए तब तो ठीक, पूरा गाँव के सामने अपने ऊपर मुतवा ले बेटा। तो ठीक बा, खूब साबुन से मुंह धो के बैठा मुतवावे खातिर। हाँ तो मुतवा ले ना। हाँ। अब रहुआ वहाँ का करता नहीं जी, कौन है दुनिया में डूबल बाड़ी। बात करे हूँ मधुन वालन से, यही साल अपना बेटा का ब्याह करके दिखाई हम। अरे तो दिखा दे ना। अरे होई हो, होई। बाकी हूँ ना लाया। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. But if I lay down and I play dead and I stay dead,
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Seeing it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? And 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 will you get bored of killing me? बंस बढ़ावे खाते हमार भैया जहाँ भी जो भी लड़की से तोर भी आता है के लिए बड़ा है तोरा के वहाँ ब्याह करे के पड़ी। हाँ। बता देता नहीं और यही से हाँ ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई तनी सोचना लोग का कही ठीक गोर निरहुआ के करिया मेहरारू अच्छा तू कहले बालू ना करिया आदमी से ब्याह आई देखा ऐसा लड़का पैदा भइल बा पूरा देश भर के बतावे के पड़ेला ई नौकर ना हमार छोट भाई है ए माई तनी सोचना जब करिया करिया नाती पोता तोरा आगे पीछे झूलिए सा तो लोग का कही तोरा मुंह में करिखा पोता जाए और न तका मुंह में करिखा पोत के रहब बाकी हमार बस ता आगे बढ़ी एक बार कह देनी कि ब्याह करबे त करबे ना कर ना करबे ना करब ना करब तो ना करब जगरा मन में सबर के आगी ओकरा भाग एक दिन जागी आट आट अरे हम हो भुक्कड़ हैं हम हो दलिदार हैं लेकिन नगर का मतलब है कि जहां मिले छूट वहीं लूट ए, हाथ हटाओ अरे सबर रखा तो हनी के राज कराई गद्दी पे राज कराई बाहर अपना तो गबर गबर ठूसा तारा और एकरी के कहा तारा कि सबर रखा सबर अरे अपनो सबर रखे होता पांच को निकाल देला और छठों के ठूस देला हाँ, अपन तो पूरा जिंदगी में कुल लुटा देला एकरी के लगे लुटावे के भी कुछ नहीं के बा हाँ, जेब में भूजी भांगना और चले लेन आइट के टेंगड़ा यादो कहीं के अरे दुर्भाग्यवान गुस्सा काहे हो तारू हाँ, इनान का सितारा बुलंदा हाँ, ई सब राज करिए राज हाँ, राज करिए हाँ, अभी आपन सपना के ना आगी में झोंक दा अब कुछ ना होई काहे काहे से कि निरहुआ के बिया होता बिया पूरी तरकारी खाए पूरी तरकारी खाए के मिले पगली इनहन के काहे डाटा थी रे पहला बात तो ही कि निरहुआ के अपन बिटिया दी के और अगर कहीं धोखे से होकर बिया हो गए तो जैसे निरहुआ के दोनों भाइयन के दवाई खिया के नपुंसक बना देनी वैसे ही निरहुआ के दवाई खिया के नपुंसक बना दे हमरा घर में लड़की के बियाह के मारो पहलिया के बियाह तो अभी तय नहीं के भइल यहाँ के कर बियाह होता तोहरा मेहरारू के अच्छा तू हमार दमाद होके वाला बड़ा हम तार ससुर कहिया जाए तो भैया आओ देखा पंडित जी पकड़ा गईल देखो लोग एक एक के फांसी में चढ़वा दे जबरी कर बालोगता ए माई अरे देख जबरी कर तारे सरे ए माँ निमिया की Ha 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 ha!
हमरा से जबरदस्ती मत कर लो, अब जुलूम होता। चला नंदू और ने चला। हाँ भाई, अरे बस तो बड़ी ना, ये बुलडोजर से तोर बेटा चपा के मर जाए भाई। मंगलम भगवान विष्णु पहले सात पेरा के सात वचन ले ली। हाँ। एकरा कोई भरोसा नहीं खे, ये कुल रसम बाद में होत रही। हाँ वर वधु फेरा खातिर खड़ा हो जा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। अरे चलाओ ना बेटा ठुसके बान रे, जान चल जाए जान रे, अब पहले कराओ जाके मैदान रे, जान चल जाए जान रे। हे पंडित मंत्र पढ़ा बहुत होगा नाटक तोर। ओम विष्णु विष्णु ओम जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते विवाकार्य। ये आदमी हॉकी जनावर, हम कितना मेहनत से सब देवी देवता के बलोले बानी और उसकी गंध छोड़ के सब देवी देवता के भगावन चाहता रहा। अरे तो निक देर कंट्रोल नहीं के होत का। अरे का कंट्रोल करी पंडित जी, सवेरे सवेरे खटिया से उठा के हमरा के मंडप में बैठा देले बाड़े से, अभी ले दिशा मैदान ने की कहले हो। ए पंडित चुपचाप मंत्र पढ़ा। ओम शुक्ल पंच सोमवार वासरे बैसाख मासे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु देव। अरे भैया हमार छोट छोट बच्चा बा, हम मरे के नहीं की चाहत, अभी जब ले हगी ना तब ले बियाह होई ना बियाह बंद। अरे जंगेवा में फोक दी तब मन बका लोग यार है, कब से गए छोड़ा था। ए बाबू लोटा उठाओ निकल ले, बहुत तेज आगल बाटा। समझाओ चाचा तू ही है लोग के। ए निरहुआ जाओ जल्दी है क्या। ये लोटा लेके कहाँ रे। अच्छा तो जैसे तो के पता नहीं के कि हमार टॉयलेट में ना उतरेला। ए रुक 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 सुनी जी, रहुआ एकरा साथे जाए और एकर कौनो भरोसा ना है, फेर भाग जाए। अरे भागी तो हम अकेला कैसे पकड़ा, सब के हो चला और ना तका। चला चला चला, 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 चला। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। हो यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। शादी हमारा नचब तू लोग, हमार शादी है हम नचब। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। शादी कैसे होई, अरे शादी कैसे होई, जब जोर बजाई वे नहीं डिंग डांग। अग्नि है भैया यही जल्दी चला तानी, अग्नि है भैया यही जल्दी चला। अग्नि पोए 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 पोए। अग्नि है भैया यही जल्दी चला तानी, अग्नि है भैया यही जल्दी चला। अग्नि पोए 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 पोए। पीछे पीछे आवा तारा लोग तो हमके कोनो दिक्कत नहीं के, लेकिन हमार बड़ी फोर्स में निकले ला आ छीटा 10 फीट तक जा सके। ए जो जल्दी है क्या।
हाँ। जा बेटा जा। ओ भैया रे हक्के तू जल्दी वापस आना, तू जल्दी वापस आना। वा 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 जैसे मौसम बना था बोल के सटका देता रहा लोग। ए भगवान निरहुआ भाग जाता मजा जाता। ए निरहू कितना टाइम और लागी। अरे चुप ना रहता लोग। अरे बेचारा हागे गई लग पादे ना जो 2 मिनट में हो जाए। ए निरहू आराम से चुप रहा। अरे हमरा कैसा खोता तनिक चल के देखा लोगन। कुनरु सारी चिन्हत नहीं कहा अब निरहू। हाँ हाँ कहाँ जाता रहा। हाँ वही जे जा तू जाता रहा। हम तो मुंबई जाता नहीं। हाँ बहु मुंबई जाता नहीं। मुंबई हाँ का करवा मुंबई जाके का करवा। हमरो नौकरी लगवा दिया। अच्छा हाँ कहा था सलूट मार के दिखा देता नहीं। ए नौकरी कौनो परसादी बहो की लाइन में लगवा तो भेटा जाई। दोनों टिकट के पैसा। अरे हमरा लगे नहीं के तू दे द। हम कहे दी हमरा लगे ना 1 रुपया। अरे तू लोग आपसे झगड़ा बाहर करा टिकट दा ना तो नीचे उतरा दोनों। है दोनों काहे उतरी महाराज हम टिकट ले ले बानी हम काहे उतरब। अच्छा तू ना उतरा। ए बाबू तू उतरा। हां उतरा। अरे उतरा बाबू। ए ड्राइवर साहब गाड़ी रोका। गाजा छोरी में ठेला ना धक्का काय मार तेरा। चला उतरा। हां जा दूसर बस से ना आ जाए का लेके जा अपन खटारा बस। ए बस रुकल बा निरहुआ उतरल बा। झूठे के जूझे तो हम का करी। अरे लोग झूठे के जूझे तो हम का करी। नाहीं अखिया से सूझे तो हम का करी। हम का चाह तो जैसन न वैसन मिले। अरे माई बाबू न बुझे तो हम का करी। बॉम्बे काला कहता दिल्ली हो खोजे पड़ी भलही ऐसन दुलही चाही होखे हीरोइन चूला कुलही ऐसन दुलही चाही होखे हीरोइन चूला पुलही ऐसन दुलही जाही। संगही के साथी लोग के होई कोई शादी गया
परसदी लागल न हरदी गौआ नगरिया में मिलल ना दुलहिया कि बम्बई तू चल दिलनी रहू कि बम्बई तू चल दिलनी रहू कैलका डगरिया भूला कि बम्बई तू चल दिलनी रहू अरे मोरे हरे हरदी लगाए दे रे भैयाबा मोरे हरे हरदी लगाए दे हमारो पिया हवा कराई दे रे भैयाबा हमारो पिया हवा कराई दे मोरे हरे हरदी लगाए दे रे भैयाबा मोरे हरे हरदी लगाए दे मोरे के चाहत नहीं भैया हम पहिल ही हमके दुलही चाहे होइल ना सुहागी रातिया बही हमके दुलही चाहे होइल ना सुहागी रातिया बही हमके दुलही चाहे धनिया के होखे हमारा हर मुसकी चामनिया धनिया के होखे धनिया के होखे धनिया के होखे हमारा मुसकी चामनिया निखरल जवनिया चाही गदरल बदनिया गदरल बदनिया मोर साड़ी कचार मोर साया कचार मोर चेस्टर में साबुन लगाओ साले तुझको दुनिया दिलाए दूंगी साड़िया बिलाउज हमके पीछे पड़ी भला ही हमके दुलही चाहे होखे हीरोइन चूला बुलही ऐसन दुलही चाहे होखे हीरोइन चूला बुलही ऐसन दुलही चाहे जय हिंद मैं सत्य और निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि अपने जान की परवाह न करते हुए ईमानदारी पूर्वक अपने मालिक की जान और माल की रक्षा करूंगा भारत माता की जय ये हरे फोन करत बा हेलो हेलो हम निरहु बोला तानी का रे तोहरा के मुंबई भागे के निशा हो गई बा अरे तो जब जानते बाड़ा तो पूछत का बड़ माइक फोन दा का कारे निकम्मा हे माई निकम्मा ना अरे हमार नौकरी लग गई सर्विस मिलल रे और पता बा दरेस वाला 5000 रुपया तो तनखा 5000 हेलो कट गई जी हमार बेटा 5000 की नौकरी करत 5000 की 5000 की नौकरी 5000 यहाँ सिर्फ काम पे ध्यान देने का जो मैं बोलेगा ना वो करने का ना सुनना नहीं मांगता मेरे को बुझा हाँ बुझा हाँ होके वाली मेरे अरु के फोन आ गई बा पूछे खातिर कि हम मुंबई सही से पहुंच गई बानी कि ना एक्सक्यूज मी हेलो हेलो डार्लिंग आई लव यू इंतजार कर क्या ओए मुंह क्या देख रहा है बोल दे अबे दे अरे अंकल बोल तो दो अंग्रेजी हमरा पता रहे फिर अंग्रेजी में कचर पचर हुई यही से बार हम जेट से आगे के पढ़ाई को क्या आयल बनी ए से आपका बोल बी से बहुत बढ़िया पुलिस हे भगवान फिर फांसी पे चढ़ी के पड़ी
चल चलता। सिद्धि विनायक भी घुमा देव, माउंट मेरी भी दिखा देव, हाँ एलिफेंटा गुफा भी दिखा देव, महालक्ष्मी मंदिर भी दिखा देव, और लास्ट में चल जाई जुहू चौपाटी पे, ओजा सब लोग मिलके ना किसी किसी खेले ला, एक ओजा से किसी भेजा ना जल्दी से मजा आ जाई। प्राइवेट बात ध्यान से नहीं सुनने का, कान में ठेपा लगा लेने का, चलो सब सुन लिया। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग पापा। अरे हा? आज फिर से चीटिंग, आज तो आप मुझे कॉलेज छोड़ने वाले थे ना। ओह आई एम सॉरी बेटा, वो क्या ना यूके से कुछ बिजनेसमैन आने वाले हैं, उनके साथ एक अर्जेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मेरी अच्छी बेटी। गंदे पापा। मेरी प्यारी बेटी। झूठे पापा। मेरी सुंदर बेटी। टकले पापा। हाँ? दिलवा ले गईलू रानी बोतल में भर के, कहाँ चल गईलू हमके दीवाना करके। देसी का दिलवा ले गईलू रानी बोतल में भर के। मैडम जी आओ तरी, जल्दी से गेट खोलो, सलूट करो और गेट खोल के जल्दी से सलूट तान दो। देसी का। अरे बाप रे, हम तो अपना मन जो के रानी के निगरानी में लागल बानी। इडियट, नॉनसेंस, तुम यहाँ तक आ गए, तुम्हें यहाँ रखा कौन? गुंडो। गुड मॉर्निंग मैडम जी, क्या हुआ? इस बदतमीज को अभी के अभी यहाँ से निकालो, राइट नाउ। लेकिन मैडम जी इसने किया क्या है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की और सबके सामने मेरी इंसल्ट की। ना 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 ना, वो हम ना, वो हमार कोनो हम सकल रहा लोई। ए, ये नया क्या पैतराबाजी सिखा रहे हो, साफ साफ खुल के बताओ। हाँ। गुंडो सर, हाँ? तू हमारा पे भरोसा नहीं कर। अब गाँव से लेके यहाँ तक तुम्हारे पहुँच पकड़ के नहीं मर दे, एक सेकंड का दिन तो से दूर ना भैली। हाँ। और तू हमारा भरोसा नहीं कर। हाँ, मैडम जी ये एकदम सही कह रहा है, ये गांव से तो हमारा संगे संगे इधर आया है, एक को मिनट एनने सोने गया नहीं, एकदम सही कह रहा है, नौकरी कसम। तुम झूठ बोल रहे हो ना? ना माई की कसम खाला, भरोसा नहीं को माई की। माई कसम ये बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ भाई भरोसा, माई की कसम क्यों झूठा खा सके लगा? Shut up! अरे सोटे के कहतारी। चुप रहे खातिर कहतारी। सॉरी मैडम जी। जय हिंद। एक शक्ल के दो आदमी। जय भारत। बाय बाय। सही पूछा तारा का, ये तो बाड़ी हमार बन जोग रानी। आदमी बारे के पजामा, तारा मालूम बाकी तू का कहता रे। अब तो नहीं हमारा से तमीजों में बतियाई हो। अच्छा, काहे कि अब बंगला के होके वाला हम मालिक हो ही बेटा। ई बेटा केकरा कहले हो? अच्छा छोड़, चलो मोबाइल दा। ऊ काहे खातिर? ए मरदा मोबाइल दा। रुक रुक रुक, का करबे मोबाइल लेके? माई के बतावे के पड़ी ना कि ओकर पतो मिल गईल, बैलेंस बहुत कम बा। आ कौन बात ना, हम चला ले। हां मैंने सुनता। हेलो। हां बाऊजी पा लगी, तनी माई के फोन दा, हमनी रहू बोलत हई। हेलो कौन बोलत आ रहा है? जागरू। अरे जागरू ना, नी रहू बोलत हई, माई के फोन दा, बैलेंस सब खत्म हो जाई। बांग्लादेश। अरे बांग्लादेश ना, बैलेंस सब खत्म हो जाई, माई के फोन दा। माई के? अरे गाई के ना हो, माई के फोन दा। कहां से बोला तारा रे? अरे मुंह से बोला तानी, और कहां से बोला? अरे ट्रैक्टर वा चलाता ना, यही से सुनात नहीं थे। हेले दिखा के बा। हेलो माई। हेलो ए बाबू। अरे
सुनात नहीं खे बाबू, टावर में आवा, टावर में। टावर नहीं खे पकड़ा, एक मिनट टावर पकड़ा होता। अरे बाप, अरे फोन, अरे मैया की मैया, हमार फोन, अरे बाप। हाँ भाई, अब सुना था, अब सुना था। माई रे मिल गई लड़की हसीन, कैसे बताई हम बिया कमसीन। अच्छा, माई रे मिल गई लड़की हसीन, कैसे बताई हम बिया कमसीन। लागल मोहब्बत के आकी, अब पूछो बुला से ना पूछा ना। अरे फोटो भेजा पतो के हो देखी। जूझता गरीबी से बिहार तुहारा प्यार समझाता। जूझता गरीबी से बिहार तुहारा प्यार समझाता। पतोहिया तर जई पीरे माई, सांधी के लोजे नरम नरम हाथ से दहिया दबाई। हम पुनरो बतानी ना रे चाची ना बड़ा बाटे, चक्कर में एकर ना पड़ी हम। झूठे के खाली देखावा त सपना, बाटे ना कवनो मनी हम। जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार सुझाता। गलिया तो हर से नुरिया बाटे, चंचल सोख जवानी। बाड़ा तप से पवन है पानी, अपना हम न जोगर रानी। अरे बाबू बर्बाद कर के बतू, तोहरा छोकरी के चक्कर में लागता जाई नुकरी। गावे गावे सांझ सवेरे धोवे के पानी तो करी। जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार सुझाता। जूझता गरीबी से बिहार तुम्हारा प्यार सुझाता। हे हाय, कैसा है भाई? अब तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हो। एक मिनट, मैं तुम्हारा गुस्सा अभी ठंडा करता हूँ। ओ जूस वाले भैया, हाँ साहब, फटाफट सबके लिए जूस बनाओ फटाफट। जी सर, ओके। सब लोग अपने अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। ओके बेबी, प्लीज सिट, कम ऑन गाइस। काजिला? हाँ बोला जवारी। केला कैसे बा? 40 रुपया। दो 10 रुपया के। ठीक बा। ला तुम्हारी कोल भी चिल्ले। ओ जूस वाले भैया, क्या हुआ? हाँ हाँ हो रहा है साहब। हे बरम बाबा, आज करा के ऐसा गिरैया कि जिंदगी भर बिछोना ना छोड़ पावे। ए क्या भाई हो रहा है? हो रहा है, ऐसा करना जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। करी तो रहा हूँ साहब। रॉकी सुनो, अच्छा मेरे में ना काला नमक डलवाना। ओके बेबी, ओके भैया। और सुनो मेरे में बर्फी का ठीक है, ठीक है सब डाल देता हूँ। अब देखता हूँ ये बेवकूफ कुमार यहाँ से बच के कैसे जाता है। बिलायती बानर, हम इनका पे ना, ये हमारा पे गिर लिया और गलती से चुम्मा ले ले लिया। तो हमारा गांव में कोनो काम 11 हाली कोई जाला तब सु बोला। अभी 8 चुम्मा लेनी हो तो बिचवा में आ गिला। कोनो बात रहा,
अभी 3 चुम्मा और ले आ तोरा अंदर दम बानू तो रोक के दिखावा इंडिरा हुआ हिंदुस्तानी के चैलेंज बा। अच्छा तो ये बात है तो मैं भी देखता हूँ तू मेरी गर्लफ्रेंड का कैसे चुम्मा लेता है। योर चैलेंज एक्सेप्टेड। पक्का ना? हाँ बे पक्का। अरे रोकिए क्या कर रहे हो? अरे डोंट वरी डार्लिंग मैं हूँ ना। डार्लिंग थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। तीन गो चुम्मा के बाटे सवाल तू काहे बवाल करेला। अभी तो दू गो और बाकी बा। आबा देखी जरा किकरा में कितना बदम जम के रखा कदम तू हमरी किरण आवा देखी जरा किकरा में कितना बदम जम के रखा कदम तू हमरी किरण वो स्टुपिड गवार कहाँ गया? ओहो, लगता है मेरे डर से भाग गया। अरे बेब को उससे मेरा दूसरा चुमा भी लिया। डोंट वरी डार्लिंग, अब वो तुम्हारा तीसरा चुमा कभी नहीं ले पाएगा। ओके, लेट्स एंजॉय क्वाइट कार। अल्लाह बचाए तुझे मेरे वार से। निरुपा 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 रुक जा रुक। स्टॉप स्टॉप चुम्मा हो गए 11 चुम्मा। शट अप। तुझे तो पप्पी के तो है छोड़ना नहीं सब इसको देखो तो तेरे को हवा की हवा खिलाता हूँ। चल हमरा उस सुकर बिगाड़ नहीं। क्या? हाँ हमके बचा ले इंस्पेक्टर। चल इस देहाती गवार को छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं इसको। मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना गवार देहाती। किरण 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 कांता भाई जल्दी करो लेट हो रहा है। वही साहब जाले बगा। हाँ सुनिए बेटा बोलो। किरण बेहोश हो गई। व्हाट? किरण बेहोश हो गई कैसे? कहाँ है वो? डॉक्टर अंकल किरण कैसी है आप? डॉक्टर कुछ पता चला क्या? बेटी जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे ये सब क्या हो रहा है और मुझे स्ट्रेचर पे कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? बेटा बेटा सुनो बेटा तुम्हें एडमिट होना है बेटा। जस्ट टेक रेस्ट तुम्हें आराम की जरूरत है। किरण अंकल आराम की जरूरत मुझे नहीं आपको है। जस्ट मुझे उतारो।
किरण? पापा? किरण बेटी क्या हो गया तुम्हें? ए मकवाना, क्या हो गया मेरी बेटी को? ए खन्ना अंकल, एक मिनट, नथिंग पापा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसीलिए चक्कर आ गया। नाउ आई एम क्वाइट वेल एंड कहिए तो डांस करके दिखाऊं? देखो अब चले। बाय अंकल। बाय। डरा दिया था तुमने मुझे। पापा आपको सिर्फ सोनिया ने कहा होगा। अपनी केयर करो बेटा, यू आर नॉट चाइल्ड नाउ। बट व्हाई पापा, आई एम फिट एंड फाइन, और मुझे खा के भैंस नहीं बनना। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। कांता भाई भाई साहब बोला, मैं एक महीने के लिए आइसलैंड जा रहा हूँ, वहाँ फोन लगे ना लगे डॉक्टर ने किरण को आराम करने के लिए कहा है, और इस एक महीने में किरण को घर से बाहर नहीं जाने देना है, समझी? और एक बात, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें काहे भी चिंता कर रखा साहब, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी मैम सबका। बाय बेटा। बाय पापा, टेक केयर, यू टू। बाय अंकल। बाय बाय पापा। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी जर्नी। बाय बेटा। बाय साहब। साहब साहब, अरे कुन्नू सर, हमके बता रहे तू हमके छोड़वा ले बा। तू थोड़ा देर चुप रह सकेले, बात कर रहल बानी ना। साहब गांव से नया नया आया है ना साहब, यही से गलती कर दिया साहब, छोड़ दीजिए ना इसको साहब, सीधा आदमी है साहब। सीधा आदमी? हाँ साहब। करो संग दोस्तों। हाँ साहब। बाप रे, पार्क में जाके लड़कियों को छेड़ता ये, और तू इसे सीधा साधा बता रहा है? अच्छा है बगे, जास्ता डोके जाऊं उनको सा, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। नहीं साहब, चल निकल यहाँ से। सर, न्यूज़ला 100 करोड़ांच्या चोरीची सीसीटीवी फुटेज दाखवत आहेत। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज तक की सबसे बड़ी रॉबरी अंधेरी वेस्ट के ICICI बैंक के चेस्ट ब्रांच में हुई थी, जिसे कि आप सीसीटीवी के फुटेज में देख रहे हैं। पहले तो मैं अपने दर्शकों को चेस्ट ब्रांच के बारे में बता दूं। ये वो ब्रांच है जहां पे अंधेरी वेस्ट जोन का ICICI बैंक का सारा पैसा रखा जाता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इतनी बड़ी सुरंग बनने की किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। पुलिस इन अज्ञात लुटेरों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मार रही है, और ये पूरा मामला CID तक पहुँच चुका है। ताज्जुब की बात है कि किस तरह इन हमरा पता बा ई चोरी के कइले बा। रे ई का बकवास करता रे। कुन्नू सर, हम बकवास नहीं करत, हमरा पता बा कि पैसा के चोरैले बा और कहां धैले बा। हमरा कपार पे 7.5 चढ़ल रहे जे तेरा के हम गांव से लाके मुंबई में नौकरी दिलवा देनी। अरे तेरा चक्कर में हमरा अब नू तो नौकरी तो जेबे करी, फांसियों पे चढ़ा दिए ये लोग। अरे यार बोल देना इनका के कि तू झूठ बोलता रे। काहे बोली झूठ? हम कोनो पाकिस्तानी है का? पाकिस्तानी? मर मर अकेले अकेले मर, फांसी पे चढ़। जय राम जी की, प्रणाम। हो साहब ये पगलवा को ना फांसी पे चढ़ा दीजिए, फांसी पे, हम जा रहे हैं। मर अकेले छत्ता पे चड्डी सूखने के लिए डाले थे, उतार लीजिएगा ना तो कोनो चोरा लेगा। बोल रहे तुझे 100 करोड़ के रॉबरी के बारे में क्या पता है? हम ना बताई। बोल। कोनो कीमत पे ना बताई। सर हा मामला CID वाल्यांचा आहे, आपला हस्तक्षेप करणं ठीक नाही। सर मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं चढ़ाया साहब। सर कहाँ है वो? लॉकअप में है, आइए। ये रहा। ए, तू क्या जानता है उस 100 करोड़ के बक्से के बारे में? बक्सा वो तो हम बता दे, लेकिन हमारे को शर्त बा। तू हमारे सामने शर्त रखेगा? ए, नॉट नाउ। सॉरी सर। ए, सीधे सीधे बता, 4 चोर कौन है? काय मरले हैं? हम ना बताई। नहीं बताएगा? ना बताई। नहीं बताएगा? तेरा तो बाप भी बताएगा। ए, पुट हिम इन द टॉर्चर रूम। टॉर्च 12 लोग चाहे मोमबत्ती, जो ले हमार शरत ना मन बलोग तो ले ना बताई। जय बजरंग बले, दुर्गा माई। बोल, 100 करोड़ की रॉबरी के बारे में क्या जानता है? बता। लव लाइफ। मारो। सर उस लड़के ने 100 करोड़ की रॉबरी के बारे में कुछ बताया? नॉट नो।
सर उसने लुटेरे के बारे में कोई जानकारी दी? अभी नहीं सर, अभी तक उनका मुंह क्यों नहीं खुलवा पाए? पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो, टूटने का नाम ही नहीं लेता है, बट हमें भी उसे तोड़ने के बहुत से तरीके आते हैं। That's enough. Thank you. Sir, it's all, sir. Side, please. Side, please. Sir, please. Sir, please, sir. Sir, it's all, sir. नेहा, जैसा कि आपने सुना है, सीआईडी अधिकारी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस लड़के ने 100 करोड़ की रॉबरी के बारे में अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। रूबी, उस लड़के के बारे में पता चला कि आखिर वो है कौन? नेहा, पुलिस सूत्रों से पता चला है कि उस लड़के का नाम नीरव कुमार यादव है, जो गांव टडवा टप्पा सॉरी जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यहां अपने दोस्त के साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। नीरव कुमार यादव कौन है रे? या हलकटाला माहित कसं पडलं रे की 100 करोड़ आपण लोकांनी उडवलेत। ए भाऊ, अगर नीरव को सब कुछ पता ही छे तो पुलिस को क्यों नहीं बता रहा है भाई? खूब शाना है भाई, अपन लोगों से सौदा करना चाहता है। अपन को इस हालत से बचने का है ना, तो उस लौंडे को पुलिस कचड़ी से उड़ाना पड़ेगा। बरोबर। बरोबर। Oh, no, no. It's a matter of our company's reputation. कुछ भी करना पड़े, कोई भी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़े, कोई सौदा करना पड़े, हमें 100 करोड़ को रिकवर करना जरूरी है, अदरवाइज हमारी कंपनी को बैंक को इतने बड़े अमाउंट का भुगतान करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। किसी भी तरीके से उस नीरव कुमार यादव को मोल्ड करो। ओके सर। कितना बार गए कि ना बताए, इतना बताए। इंटरनेशनल इन्शुरन्स कंपनीतून काही लोक आले, त्यांना तुम्हाला भेटायचे। इन्शुरन्स वाले? हाय सर। हेलो, वी आर फ्रॉम इंटरनेशनल इन्शुरन्स कंपनी। ओके सर, हमारी कंपनी ने उस बैंक का इंश्योरेंस किया था जिसमें 100 करोड़ की चोरी हुई। अच्छा, तो सर उस आदमी ने कुछ बताया? अभी तक नहीं, लेकिन बताएगा जरूर। प्लीज सर, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग ट्राई करें। आपको क्या लगता है हमें झक मारे बैठे? सर एक्चुअली यू शट अप। याई राजू गुलवाने। ए, गुन्हेगारांकडून गुन्हा कबूल करून घेणं म्हणजे काय पॉलिसी काढायचं काम नाहीये। चार पेपर पर साइन किए, चेक लिए और काम खत। सॉरी सर, सर आपको हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं था। प्लीज सर, वन चांस, अपना मतलब तो उसे राज उगलवाने से है ना? सर प्लीज सर। सर हमारे पास 16वीं विद्या है जिससे वो सारे राज उगल सकता है। 16वीं विद्या? ओए, देख तुझसे कोई मिलने आया है। अच्छा, खुद से ना उगलवा पौला लोग तो ये लोग के बुला लेला। कितना बार कहीं कि हम ना बताई तो ना बताई, चाहे तू लोग आग पे चलावा चाहे बर्फ पे सुतावा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो तू लोग का करे वाला बड़ा? इनसे मिलिए। ये मिस्टर पवार, नमस्कार। ये मिस परिणीता, नमस्कार। ये हमारे सुरेंद्र पांडे जी, हेलो। और मैं, मेरा नाम मुखर्जी। तू लोग तो ऐसा परिचय करावा तारा जैसे लागत अमर ब्याह करावे आयल वाला लोग। समझ लीजिए कि ऐसा ही है। अच्छा, बस एक बार वो 100 करोड़ के बक्से के बारे में बता दो। ना 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 ना, पहले अमर शादी फिर बक्सा के आजादी। ये चलेगी? हम इनसे उनसे शादी ना करब। फिर किससे? हमार शादी तो हमार मनजोग रानी से हुई। मनजोगे रानी? अरे सर, मतलब सपनों की रानी। अरे बाबा, हमें भी तो बता दो आपकी सपनों की रानी है कौन? किरण खन्ना। नो नो नो, तुम्हारे 100 करोड़ की और तुम्हारी कंपनी की ऐसी की तैसी। तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस गवार से शादी करूंगी? निकल जाओ वरना तुम्हारे सबके सर फोड़ दूंगी। आउट। मैडम सुने ना प्लीज, गेट आउट। जादू है तू, जादू पराती था अलग तो बागा तुम्ही जाडून मारन तुम्हाला। काय गा टवळे, तुला काय तो भोजपुरी सांगू काय मी? सर जल्दी दो ना सर। नाही बाबा, आती हुई लक्ष्मी को नाने करते।
मैडम को पटा दीजिए ना। मैडम ला पटवायचा असेल तर रॉकी बाबा को पकड़ना पड़ेगा। रॉकी बाबा? मैं तुम्हारे लिए एक मस्त प्लान लेके आया हूँ। ओह, हॉलिडे प्लान? ओह नो डार्लिंग, एक दिन में 1 करोड़ कमाने का प्लान है। ओह रियली? क्या प्लान है? शादी का मैडम जी। फिर से आ गए तुम लोग इधर? चले जाओ यहाँ से। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज। हाँ मैडम जी। डार्लिंग प्लीज रिलैक्स, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। तुम मुझे कूल डाउन बोल रहे हो? हाँ तुम मैडम, गेट आउट। मैं कुछ भी नहीं करने वाली, समझे तुम लोग? सबके सब यहाँ से निकलो। किरण, रॉकी बाबा, रॉकी बाबा, प्लीज रॉकी बाबा, किरण, अब क्या होगा? किरण प्लीज प्लीज लिसन टू मी। नो, तुम मुझे इस गवार बदतमीज से शादी करने के लिए बोल रहे हो? तुम, आई डोंट बिलीव दिस। किरण, किरण प्लीज। अरे शादी नहीं यार, फिल्मी ड्रामा। फिल्मी? यस बेबी, जैसे फिल्मों में हीरोइन फेरा लेती हैं, सिंदूर लगाती हैं, शादी हो गई और सीन ओवर, और सब लोग अपने अपने पैसे लेके अपने अपने घर। मैडम जी, बस आपको सिर्फ इतना ही करना है और इसके बदले हम आपको 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़? डार्लिंग, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? 1 करोड़ दे रहे हैं, 100 लाख, और बदले में करना क्या है? शादी का एक छोटा सा ड्रामा मैडम, प्लीज। हाँ डार्लिंग, एक छोटा सा ड्रामा, और उस ड्रामे से उस अनपढ़ जाहिल गवार देहाती से हमेशा के लिए छुटकारा। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। ये रिस्क नहीं मैडम, ये ड्रामा फिक्स है। बस एक बार ये ड्रामे वाली शादी हुई और जैसे ही उसने 100 करोड़ का राज बताया, फिर तो हम उसे रॉबरी के जाल में ऐसा फंसाएंगे कि बाहर की दुनिया उसे देखना नसीब ही नहीं होगा मैडम जी। डार्लिंग, तुम सोच क्या रही हो? हाँ बोल तो ना, प्लीज से यस। मैडम रेडी? ओके डन। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सूर्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब विवाह संपन्न हो गया, आज से आप लोग पति पत्नी हो गए। करे जा कहाँ जात बाड़ू, करे जा निकाल के। सर, हमने आपकी शादी आपकी मंजू की रानी से करा दी, अब तो 100 करोड़ के बक्से के बारे में बताइए। अभी तो खाली 7 फेरा भइल बा, 8वां फेरा तो अभी बाकी बा। 8वां फेरा मतलब सुहागरात? अरे यार क्यों सर पकड़ लिए, आप तो 16वीं विद्या में माहिर है ना, मनवाइए सुहागरात। हाँ मनवाइए। I will kill you, bloody idiot nonsense! Please, madam, कान के नीचे बचाऊंगी अगर मेरे पीछे आए तो। No, सुहाग राजी। अब क्या करें? 2 करोड़। No. 3 करोड़। No, not any cost. 5 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़। नहीं नहीं नहीं, वेरी बैड, नो सुहागरात। अरे सर, सच्ची मुच्ची का नहीं, नाटक नाटक नाटक।
चलेगा। किरण 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 प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? नो रियल सुहागरात, इट्स अ नाटक। नाटक सुहागरात कभी कोई नाटक होता है क्या? तुमको अगर इतनी खुश लेते तुम जाके मनाओ ना सुहागरात इडियट। डार्लिंग डार्लिंग प्लीज प्लीज मेरी बात तो समझो, सुहागरात के बाद 5 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ प्लीज मान जाओ ना डार्लिंग। यस मैम 5 करोड़। आर यू रेडी? हम आपको प्रॉमिस करते हैं वो सब कुछ नहीं होगा। मैम मान जाइए ना, नाटक ही तो करना है। सर सर प्लीज आप भी कुछ बोलिए ना सर। यस मैम, हम उसे आपको टच भी नहीं करने देंगे। हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज वी हैव अ प्लान। ओके डन। यस यस। अरे सर मुबारक हो, मैडम सुहागरात के लिए रेडी है। मैडम तैयार बाड़ी। अरे मुबारक हो सर, अरे सिपाही जी थाना खाली करवावा। और हाँ फोन करके बता दे हमारे गांव जिला नगरी में कि निरहुआ के सुहागरात होता थाना के कोठरी में। आप हमारे लिए तो वीआईपी आदमी है, वीआईपी सुहागरात तो वीआईपी जगह ही होगी ना। मतलब 5 स्टार होटल में? हाँ। निरहुआ के सुहागरात 5 स्टार होटल में? सर आपने कभी सोचा था कि आपकी सुहागरात 5 स्टार होटल में होगी? आपको कैसा लग रहा है कि आपकी सुहागरात 5 स्टार होटल में मनाई जा रही है? सर सर एक सवाल। बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है और ज्यादा जानकारी चाहिए तो पहले सुहागरात मना लेते हैं। ए हबगरे हाथ से तो inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that every कबाब शराब शबाब। अरे रेडी बाड़ू हमारा पे होखे के निछावर। अरे वेट कर तारू बिछा के फलावर। हर वन टेक होके होखी कह खाली एक्शन। पहले तो बॉडी में लव के रिएक्शन। खुलल बा भाग आज मिलल बचन। अब शुरू होके जा रहल बा देसी रोमांस।
चपकौआ कंट्रोल नहीं हो रहा है। चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, छोड़ी ना टावर के खपावर में आके गारंटी बा, छोड़ी ना टावर हो पावर में आके, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के। अभी मूड बना है ताजा, जरा वेट करो ओ राजा, अभी मूड बना है ताजा, खोलूंगी धीरे धीरे मैं हुस्न का दरवाजा, खोलूंगी धीरे धीरे हुस्न का दरवाजा। माने मनवले ना जोश मारे जंप हो, माने मनवले ना जोश मारे जंप हो, छौके जवनिया मचावे हड़कंप हो, छौके जवनिया मचावे हड़कंप हो, देह गंगा नवलू तू दहिया छुआ के, अरे बाप रे, देह गंगा नवलू तू दहिया छुआ के, चुम्मा चपकौआ चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी हटा के। अपने पास है फुल नाइट, ना दिल का पेशेंस खोने दो, अभी अभी तो अभी अभी तो मिले हैं हम, थोड़ी आर ट्यूनिंग होने दो, होने दो, होने दो, कंफ्यूजन लगा जॉर्ज हमार बम के, मिलल बा लाइसेंस फायरिंग करे द तू जम के तनी आनो आनो आनो। ओ नोटी नोटी बालम है दिल में तेरा वेलकम, ओ नोटी नोटी बालम है दिल में तेरा वेलकम, जमेगी अपनी जोड़ी मैं ब्यूटीफुल टू हैंडसम, जमेगी अपनी जोड़ी मैं खाई पियल घर के देहाती हई पाठा, खाई पियल घर के देहाती हई पाठा, भरल बा देहिया में दूध घी माठा, भरल बा देहिया में दूध घी माठा, डंक द पारा पलंगियो हिलो के, आज पलंग तोड़ देवे के बा, डाउन क द पारा पलंगियो हिला के, चुम्मा चपकौआ कबो देखि बोले, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के, चुम्मा चपकौआ दे तो झुलनी उठा के। ए सोना अब जल्दी से आ जा ना, देखो अब मोर्चा पे चढ़ा के धोखा मत दो। पहले उस 100 करोड़ के बारे में बताओ, फिर उसके बाद। 100 करोड़ ए डार्ली, अब तुम अपने धर्म संकट में डाला था। इसमें धर्म संकट में आने वाली कौन सी बात है? अब मैं किरण बलराज खन्ना नहीं, किरण निरहु यादव हूँ। तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सर लगता है लाइन पे आ रहा है। और पति पत्नी के बीच में कोई राज राज नहीं रहता। हमरा के पते लिखे के का बताई, हमें के कैसे समझाए कि हमके खुदे लिखे पता, हम खाली बियाह करे खातिर कुछ झूठ बोल रहे। क्या सोच रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सुसु करके आवता नहीं। कहा था ना दारू मत पिलाओ उसे, क्या कह रहे थे? 16वीं विद्या है। अब मुतवाओ उसे, इडियट। सर इतना टाइम, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है। सर बहुत देर हो गई, आ क्यों नहीं रहा है? नॉक द डोर। ओके सर। Thank you.
पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, निरवा डार्लिंग, डार्लिंग। सर, कुछ आवाज नहीं आ रही, लगता है लुढ़क गया। हाँ? अरे अब क्या होगा? मू सर, कहाँ गया वो? ए हल्का, तुझे कैसे मालूम 100 करोड़ अबुल लोग ने चुराया है? अब बोल। पहले ना मालूम लेकिन अब मालूम चल गए। ए गाड़ी थमाओ, याला कापून टाकून समुद्रात फेकून देऊया। ए चल लवकर। काढायची पट्टी। लवकर बोल नाहीतर मार्शल। हरो समुंदर, समुंदर, समुंदर के पानी। अरे पागल है क्या, पाण्यामध्ये खेळतो पानी। अरे शाण्या, अरे शाण्या बोलना। ए अरे बारात जाइब सैया जी के साथ, बस दो चार दिन के बाद चढ़ी गली में अजिया धड़ के हमार जाए पड़ी ससुरार छुट्टी घर बदुआर रही होली में। अपना मर्जी के हम मालिक हुकुम दोसर चलाई, मानी नाही मोर बलमवा सारी रात सताई करी मोहे परेशान सही समझा। तूफान जैसन जोश, समुंदर जैसन जवानी। बेटा हमरे नाम निरहुआ हिंदुस्तानी। मारी से आओ। सर, पूरा होटल देख लिया, कहीं नहीं मिला वो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ढूंढो सब जगह। यस सर। कहाँ गया वो? हेलो कंट्रोल रूम में मात्रे बोलते हो साहब? व्हाट मूव खड़ी निकलो बाहर, पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है। चलो जल्दी, कोई होशियार नहीं। तुम लोगों ने थोड़ी सी भी चालाकी की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। साहेब जेकरा के तू लोग ढूंढत बड़ा उगाड़ी में ना, कचरा पेटी में कचरा भी न था। समुंदर के पानी। चलो अंदर।
आपने 100 करोड़ की रॉबरी का पर्दाफाश किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने उन चोरों के बारे में पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? इतना टॉर्चर क्यों सहा आपने? अरे ये सब हमारा प्लानिंग था। वो क्या है कि चूहा को बिल में से निकालने के लिए बिल में पानी डालना पड़ता है। ये भोजपुरी आइडिया आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सर ये आइडिया आपको आया कहाँ से? कहाँ से? अरे इससे ज्यादा दिमाग तो हमारे गांव में भैंसिया को भी होता है। जी, आपकी 100 करोड़ की रॉबरी का मिशन तो पूरा हुआ, अब आपका अगला मिशन क्या है? मिशन सुहागरात। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तोहरा चक्कर में भाईल बा बहुत पिटाई, सुहागरात में आज बड़ी मजा आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ हम जवन चाहे तवन लगा सकता नहीं। अरे हम तो आज पति हैं। पति? कौन पति? कोई देखा? आज बिया भइल और आज पूछा दिया कौन पति? अभी बताओ तानी। खबरदार, जो दोबारा अपनी जुबान से ये बात निकाली, तुम तो मेरे पति तो क्या, मेरे नौकर बनने के भी काबिल नहीं हो। समझ में आ गई मैडम कि तुहरा मन में हमरा खातिर काबा, लेकिन अब जोन हम करब तोहरो समझ में आ जाए। मिस किरण खन्ना, ठीक है ना भाई जी? हाँ। बंगलो नंबर 203, हाँ हाँ, पाम स्प्रिंग, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 104। निरुआ, पोस्ट नोटिस। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस किरण यादव। एक्सक्यूज मी, किरण यादव नहीं, किरण खन्ना हूँ। किरण खन्ना तो आप पहले थी, मेरे मुवक्किल से शादी करने के बाद आप किरण यादव हो गई है ना? लेकिन मैं शादी को शादी नहीं मानती। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। अपने पूरे होश हवास में अपनी मर्जी से शादी करने के बावजूद ये कह रही है कि ये शादी को मैं शादी नहीं मानती, जबकि इसका पुख्ता प्रमाण ये है, ये मैरिज सर्टिफिकेट। क्या इस प्रमाण पत्र में किए गए हस्ताक्षर आपके नहीं हैं? यस सर, लेकिन मुझे फंसाया गया है। किसने फंसाया है आपको? मिस्टर मुखर्जी ने जज साहब। मिस्टर मुखर्जी को कटघरे में बुलाया जाए। नहीं नहीं जज साहब, ये शादी तो इन्होंने अपनी मर्जी से की है, जिसके गवाह है इनके दोस्त मिस्टर रॉकी। हाँ तो बताइए मिस्टर रॉकी, क्या आप इनको जानते हैं? यस, शी इज माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपने इनकी शादी मेरी मुवक्किल निरहुआ कुमार यादव से क्यों करवाई? मतलब आप नामर्द हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं मिस्टर रॉकी। जी साहब, इनको पता नहीं है मैं रोज सुबह 2 लहसुन खाता हूँ। इसीलिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड की शादी मेरी मुवक्किल ये देसी मर्द निरहुआ कुमार यादव से करवाई, ये सच है या नहीं? जी साहब, मैंने इस वजह से थोड़े ना शादी करवाई। तो किस वजह से करवाई है? मिस्टर मुखर्जी के कहने पे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं किरण को 1 करोड़ रुपए दूंगा। जी साहब, इसलिए मैंने शादी करवा दी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं सर, मिस्टर रॉकी ने कहा था कि आप किरण को 1 करोड़ दोगे, आप मुझे भी 1 करोड़ दीजिए, मैं किरण को राजी करा दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। मिसेस किरण पे इंडियन पिनल कोड की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 420 का भी केस बनता है। अरे बाप रे बाप! ए का करता है? माय बाप! गांव के सीधा साधा लड़का के साथ इतना बड़ा छल! माय बाप, हम जिए करेंगे जात। माय बाप, हमके इच्छा मृत्यु को वरदान दे दी। हाँ भाई, कहूं के लगे जहर हो गया तब के दे दो भाई, हम पी के मर जाए। वकील साहब, हमके किरासन तेल लिया के दे दो, हम जहर के मर जाए। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अरे ड्रामा ना जज साहब, गोला चार पति के फरियाद। अब हम कौन बोले के अपना गावे जाए? अब अगर हम गावे जाए तो अपन मेहरारू के लेके जाए, ना तो गांव में हमार लाश जाई। जज साहब, अब हमार जीवन और मरण सब आपके फैसला पे निर्भर। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर निरहु,
ये अदालत है, आप अपने जज्बातों पे नियंत्रण रखिए और अपने जगह पे जाके बैठिए। ठीक बा। ऑर्डर ऑर्डर, इस केस की सुनवाई आज पूरी हुई, अब इस केस का फैसला अदालत दिनांक 23 अप्रैल 2017 को सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पैसे के लालच में किरण खन्ना ने निरहु कुमार यादव से शादी की और पति पत्नी के संबंध को मजाक बनाया, जो कानून के साथ साथ समाज के लिए भी अपमानजनक है। इसलिए अदालत हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 के तहत किरण खन्ना को आदेश करती है कि 1 साल तक निरहु कुमार यादव के साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें। 1 साल के बाद अगर ये चाहें तो अदालत में तलाकनामा दायर कर सकती हैं। और ये अदालत निरहु कुमार यादव को सचेत करती है कि किरण कुमार से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। एकदम नहीं करेंगे माई बाप, बस ही मत करें हमारे साथ में। और साथ ही साथ ये अदालत पुलिस प्रशासन को आदेश देती है कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को एवं राकेश कुमार उर्फ रॉकी को तुरंत हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, हैंड्स अप, हैंड्स अप। डार्लिंग, तुम किधर? अगर किसी ने भी बचाने की कोशिश की तो इसे जान से मार दूंगा। रोके, छोड़ो मुझे। ओह माय गॉड, शट अप। गुड शॉट, गुड शॉट। चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ले जा। का करे जा, अब तो चले ही के पड़ी। चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर। अरे बेटा, कितना दिन बाद तोरा के देखा थी बचवा। प्रणाम चाचा जी। कार कुनरवा, बढ़िया कैलीस की नलायकों के मुंबई में नौकरी लगा दे ली। ये क्या बेटा? तुहार बहू रानी। बहुत अच्छी है। अरे बड़को, छटको कहाँ पड़ लावा जल्दी सरे। हमार पतो बहु रानी आइल बाड़ी। अरे भौजी, भाभी। अरे हम तोहर देवर है। शट अप एंड स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए आई हूँ। 1 साल रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। और खबरदार, अगर किसी ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। जी मैडम। मेरा कमरा किधर है? मैंने पूछा मेरे लिए कमरा किधर है? हाँ। ये घर में तोहार कौनो कमरा नहीं थे। ये घर हमारा। अब हमारा मतलब हमार ना, तो ठीक बा, हमार हिस्सा बांट दो। का का कह ले है तू? बांट दी? ससुर जाओ ने खपरा मारा, सब हिस्सा मांगल बुला जाएगा। इसे कैसे मारब जी? काहे के मारब? ये घर हमार, घरे का मालकिन हम, ता हमार कमरा हमरे बेटा का कमरा। जा बेटा, जा जा हमरे कमरा में, जा जा जा। आई मैडम। जा कमरा में जा। हम हो जाते हैं। ए आए, तय कहां रे? मैडम जी के लगे। मैडम जी के लगे? हां तू लगे। अरे बाप, ना 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 ना, घर जाता नहीं। अरे बाप रे बाप, कहां फंस गई नी? हमरा मना करे के बाद भी घर में घुसा दे लो। अरे हमरा तो कौनो इज्जत नहीं थे। और ना टका आओ ना टका ना टका काओ ना टका बे भाग यहां से, चुप भाग यहां से, भाग जी। ए कहां यहां? हां बोली। जब वो बेशरम लड़की खुद के घर के बहू मानते नहीं के, तकाऊ ना हक से यहां रही।
हमार बंस बढ़ावा खातिर जी। अरे एक साल के बाद जाए वाली बिया ओकरा से तू बंस बढ़ावे के उम्मीद लगावले बड़ू। इतना बड़ हो गई नी इहो नेके पता कि लइका होके खातिर खाली 9 महीना चाहला सालो भरना। अरे जब उनी रहुआ के अपन पति मानते नहीं थे तो 9 महीना आपका 9 साल में भी कुछ ना होई। काहे ना होई जी और कैसे ना होई जरूर होई। एक बात बताई जब हमार लइका ओ शहरी लइकी के मुंबई शहर से उठा के गांव में लिया सकेला तो अपने छोट 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 बच्चन कमाई काहे ना बना सकेला। जरूर बनाई जी हमरा के अपना बेटा पर भरोसा बा देख ले भाग यहां से देख ले। चाचा तोरे घर क्यों आइल बा के हरे पता नहीं के मैं किरण का डैडी हूँ। आई बैठी। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? पापा पापा किरण बेटा ये तूने क्या किया? अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। कोई बात नहीं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए मैं आ गया हूँ। निरहुआ कहाँ है? अरे ससुर जी प्रणाम। शट अप मुझे ससुर जी नहीं साहब जी कहो। राजा का मुकुट पहनने से कोई भिखारी राजा नहीं बन जाता। भिखारी की क्या औकात होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बोल मेरी बेटी को छोड़ने की क्या कीमत लोगे? 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़? सौदे बाजी बाजारू समान कोला साहेब। किरण हमारी पत्नी है। तुम जानते भी हो 10 करोड़ की कीमत क्या होती है? रउआ जानता नहीं है वो पत्नी की अहमियत का होला। 10 करोड़ से तुम्हारा पूरा घर बदल जाएगा और इनका से हमारा पूरा जीवन संवर जाएगा। 10 करोड़ को ठुकराना तुम्हारी बदनसीबी है और इनके साथ रहल हमार खुश नसीबी है। तुम ये भूल रहे हो कि किरण यहाँ जीवन भर के लिए नहीं सिर्फ 1 साल के लिए आई है। रउआ ही भुलाता नहीं कि 1 साल में 365 दिन होला और जिंदगी 4 दिन की। आपका बेटा बावला हो गया है बावला। नफा नुकसान के बारे में इसे कुछ नहीं पता लेकिन आपने तो जिंदगी को करीब से देखा है जरा समझाइए इसे। साहेब नफा नुकसान तो व्यापार में देखल जाला परिवार में ना। परिवार में तो मान मर्यादा और प्यार देखल जाला। घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना तुम्हारी बेवकूफी है बेवकूफी। हमरा घर के लक्ष्मी राउर दौलत ना हमार मैडम जी है साहेब। सिर्फ 1 साल 1 साल के बाद ना तुम्हारे पास ये दौलत होगी ना मैडम जी इसलिए मेरी बात मानो ये दौलत ले लो और किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करके चैन से अपनी जिंदगी गुजारो। हमरा पता बा कि 1 साल बाद ही हमरा के छोड़ के चल जी लेकिन आपके बता दी कि इनका गैला के बाद भी हमरा जीवन में इनकर जगह क्यों और ना ले पाई। वैसे तो हमनी के संस्कार ना हा कि द्वारी पर आयल मेहमान के जाए के कहीं बाकी रवा एगो मेहमान की हैसियत से ना एगो खरीदार के हैसियत से आयल बानी। यही से हमरा के ई कहे के पड़ता कि आपन ई कागज के टुकड़ा उठाई और उल्टे पांव निकल जाए। आज तक मैं केवल पैसों की अहमियत जानता था लेकिन आप सबके विचार जानकर मुझे रिश्तों की अहमियत भी समझ में आ गई। एक बाप होने के नाते मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी बेटी सही और सुरक्षित जगह पर है। बेटी उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं यहां आऊं तो मुझसे बेटी के रूप में नहीं इस घर की बहू के रूप में मिले। मेरी वजह से आप लोगों के दिल को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए।
चलता हूँ। संधि जी, रवा कुछ भूलत आनी। गिरधारी भैया बाहर निकला है, गिरधारी भैया बाहर निकला। अरे टेंगड़ा, भाई बारात लेके यहाँ का है आइल बाड़े। हमें यह भयवती भाई ना आइल बानी, हम तो ये पूछे आइल बानी कि जौन पतो विदा करा के लिया आइल बाड़ा, वो कौना कोठा से लेके आइल बाड़ा। है चाचा, ए टेंगड़ा, अपन गंदा जवान के लगाम दे, वो हमार पतो हा। पतो? अरे दुद्दू को पतो तो बाड़ी घरवा में है भैया, ये कवन ने का डिजाइन का पतो लेके आइल बाड़ा तू है? ना मांग में सेनूर, ना लीलाद में टिकुली, ना गला में मंगलसूत्र, ना हाथ में चूड़ी, ना गोड़ में छागल, ना आँख में काजल है? ए पारस, हमार पतो चाहे जैसे रहे, अरे तोर कहे करे जा पता था? अरे कहे ना बात ही है भौजी, खानदान देख के नु भा, इज्जतिया तो हमरो नु जाई। ए चाचा, हाँ, जब बिता बिता बेच के दारू पी गईला तब ना खानदान की इज्जत जात रहे। हाई देखा, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे और लंगटा गांव भर कपड़ा बांटे। ए पंच लोग, बुलाई इनका पतो के और नीमन बाउर जवन फैसला हो रउए लोग करी, बुलाई। रे टेंगड़ा, हमार बेटी पतो है पर्दा में रह ले। अरे का भैया, दाई से पेट छुपा होता रहा है? अरे तोरा के बतावा, अगर पतोहिया आ गई ना तो सारा पोल खुल जाई, पूरा गांव के सामने बेइज्जती हो जाई। हा, 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 हा। बाबू, अरे क्या करता रे, अरे क्या मुटता रे, तो ना माइक है, अरे बंद कर रे, अरे मुटता, अरे बंद कर, अरे बंद कर रे, कमरे मुझ में बंद कर, अरे मारा मेरा बंद कर रे। तू ही तो काले राला चाचा की निरहू भैया का ब्याह हो जाई तो हम मुंह पे मुतवाले और न तका जिया नंगा राजकुमार। अरे हमार औलाद ना बुझाता केकर बाड़े रे, बहुत कूटब। अरे हटा, अरे अपने औलाद बा, अपना घर में तो तुहार चूल्हा जलाओ के औकात नहीं के और दूसरा के घर में आग लगावाइल बड़ा। ए दीदी, ए भैया, अरे ई निर्लज के तरफ से हम माफी मांगा तानी रहुआ लोगन से, इनका के माफ कर दी, माफ कर दी। चाचा का खत्म खेला, चाची निकाली तेला और न तका। बेटी, आज तू हमरा घर के लाज रख ले लू, तोहरा के बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बाबूजी, ये मेरा भी तो घर है। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी कि मैं इस घर की लाज हमेशा बचा सकूं। जुग जुग जिया बेटी, सदा सुखी रहा।
सने हो हमरा जिंदगी में गम के हाँ बन के तुम्हें तो जीत ले ले बाड़ा हमके तोहरो सने हो हमरा जिंदगी में गम के बन जो के मिल गईलू हमके तेरी आवा नहीं आके बर गईल जियावा में दियावा हमरे जिंदगिया के हो बागचा कबलू बतावा जा बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना छंदार बहु हाउ लक्ष्मी निया देवर जी के बाड़ तोता सपना के रानी पढ़ के बहिन नियन बाड़ वे जेठानी हमारे निरहुआ के हो हमारे निरहुआ के भगिया जगवनु बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना दुल्हन कितना सुंदर लगा तारू एकदम हिंदी फिल्म के हीरोइन जैसन दुल्हन एगो बात कही आपन सुहागरात के सपना तो हर लड़की सजावेली लेकिन तुहार सुहागरात के सपना सिर्फ तू ही ना ये पूरा परिवार सजेले बा मैं कुछ समझी नहीं हमार कह के मतलब ई बा कि हमरा के और छुटकी के नसीब में भगवान माई बने के सुख तो देवे ना कैलन यही से ई खानदान के वंश चलावे के पूरा जिम्मेवारी तोहरा पे बा बड़की भाभी हाँ रवा के माई बोला बतारी अच्छा चला बता हाँ। मंजली भाभी हाई ले रहा और मोबाइल अरे वाह मंजली भाभी के तने रहू भैया बहुत प्यार करी ले अच्छा तोहरा के कैसे पता बा कैसे पता का जेकरा हाथ में मेहंदी खूब लाल होला मतलब कि ओकर मरद ओकरा के बहुत प्यार करी ले अच्छा तोहरा मरद मेहरारू के प्यार खूबे पता चला था हाँ लगता भैया से बात करके तोहरो हाथ में मेहंदी लगवा ही के पड़ी अच्छा मजलू हम अबे आवतानी हाय सोनिया जो की रात रोवा के ने अरे बिमला अरे कहां जाता री रे अरे वो दूध देवे चाची ना अच्छा निरहुआ लगे हाँ देखी तो अरे रे 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 ई तो पानी नियन दूध बाटे आए तने मलाई डाल दे के चाटे हाँ जोकर सुहाग रात बाटे जो मलाई लेके आओ जो 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 दीना हम डाल अरे राह देना हमरे लगे तू जो ना हम है ना मलाई बढ़िया से लेके आओ जा जा ठीक बा जा चाची आप तो खुश ना हाँ हाँ पकड़ा जा बहुरिया से कह दियो कि जरूर पिया दे जा हाँ हम एकदम में कह दे जा 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 दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है अरे तू तो नाराज हो गई लो वो बड़की भौजी के चलते थोड़ा लेट हो गया सॉरी
प्यार करते हो तो उसी सच्चे प्यार का वास्ता। ये तुम्हारे और मेरे बीच की लक्ष्मण रेखा है, इसे कभी पार मत करना। लेकिन कहें किरण, एक तरफ तू हमके प्यार के वास्ता देता और दूसरी तरफ करीब आवे से रोका था, कहें? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं और पूरी जिंदगी नफरत करती रहूंगी। लेकिन किरण, अमर कसूर का तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यह कि तुमने मुझसे प्यार किया। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने प्यार पर? मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। तुम्हारी बीवी होकर तुम्हें बीवी का सुख नहीं दूंगी। तुम मुझे महसूस करोगे लेकिन छू नहीं सकोगे, तुम मुझे देख सकोगे लेकिन पा नहीं सकोगे। रुलाऊंगी, तड़पाऊंगी, तरसाऊंगी, यही सजा है तुम्हारी। निकल जाओ यहां से, गेट आउट। अरे कुलच्छिनी, अरे ये हमार घर है, हमरे बेटा का घर है, देखो नहीं निकाले वाली रे, हैं? तोरा के तोरा औकात बतावता नहीं हम। चल जौन गाय दूध न दे वो माटी में जाए, कौनो रिश्ता नहीं के तोरे घर से, निकल यहां से। ए बुढ़िया, तू कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? हाँ, तेरा एक पैर शमशान के बाहर और दूसरा पैर चिता पर, तो तुझ में इतना रुबाब है और मेरे दोनों पैर जमीन पर, तो सोच मेरा कितना रुबाब होगा। ए लड़की, चिल्ला मत बुड्ढे, नहीं तो गले की गोटी निकल के बाहर आ जाएगी। भाग कर नहीं आई हूँ, तेरा बेटा शादी करके लेकर आया है और उसका सबूत है मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। इतना काफी है? ये कोर्ट का लाइसेंस सिखाऊं तुझे? करे निरहुआ, तोरा सामने ही हमनी के अंट संट बोलतिया और तोरा मुंह में दही जामल हा। अरे भगाओ निकरा के यहां से। अरे माई, तू काहे नहीं को समझत, का करता रु तू? ई ये घर से अकेल ना जाई, अगर ई जाई तब हमरो जाए पड़ी। हां तो जो ना जात काहे ना पड़े। रुआ शांत रही, हम बात करता नहीं ना। देख बेटा हमार बात सुन। अरे जब भी तोरा से कोनो मतलब ही नहीं रखत तो तोरा औलाद कैसे होगी? अरे माई, हमके औलाद ना चाहिए, हमके हमार मेहरारू चाहिए। ए बुढ़िया, सुन ली ना मेरे पति की बात? ये और कुछ सुनना बाकी है? अरे कलमुही, जब तक अपना पति की पत्नी सुखदेव न कर बे तो कौने बात का पति पति रख लगाता रे? ये पति पत्नी के बीच का आपसी मैटर है, डोंट इंटरफेयर। अरे माटी में गल तोरा आपसी मैटर, हमके एक खानदान का वंश चाहिए बस। वंश का सपना देखना छोड़ दे, मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अगर हो गई तब? अगर नहीं हुआ तो अपना मुंह में करखा पोत के सारा गांव घूम अब, और अगर हो गई तो तोरा मुंह में करखा पोत के सारा गांव में घुमाइब। मंजूर बा तो मिलाओ हाथ, मिलाओ। चल मंजूर है। बच्चा, एक फल का नाम ले। केला। बच्चा, एक सब्जी का नाम ले। भंटा। ए बाबा, हम यहाँ फल और सब्जी खरीदे थोड़ी आए बानी, ये सब छोड़ी ना, हमके तो बस ये बताई कि हमार ब्याह कब होई, हम कब से इंतजार करत आनी। बस बच्चा, एक आखिरी सवाल। बच्चा एक जानवर के नाम बता। घोड़ा। शांत बेटा शांत। बस बच्चा, तुम्हारा शादी का संयोग चरमरा गया है, मालिक की कृपा से इसी लगन में तुम्हारा निकाह होगा। वाह बाबा, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। जा बच्चा जा। Thank you.
ए सिकुमार हाँ माई। अरे हमरा के तनी मुरली बाबा के दर्शन करे के हा। चला बेटा। माई हम सुबह सुबह अंडा खा लेल बानी तो मंदिर कैसे जाई? एगो काम करा, नंदुआ के साथे जा। अच्छा आ, नंदुआ चल रहा तही चल। अरे माई हाँ। हम मंदिर नहीं की जा सकत, हम मंदिर नहीं की जा सकत। काहे कि आज सुबह ही उठ के जब हम जमाई लेनी है ना, तेगो माछी मुंह में घुस गई रहे। अच्छा आज हमर पूरा दिन बर्बाद हो गई बा। हम मंदिर ना जाएं, ना जाएं मंदिर, ना जाएं, ना जाएं। हम चली तोरे संगे, हम चली। काबे क्यों? रउआ के तो दोनों बेटा भरस्ट हो गई ना। अगर रउआ भरस्ट ना होखी तो हमरा संगे मंदिर चलो। ठीक है तो चल। अरे हमरा के फटफटिया चलावे के ना आवेला, बुझलू? 4 किलोमीटर पैदल चले के बा तो चला। ओ तो राहे देही, 4 किलोमीटर पैदल चलत चलत तो हमार गोड़ ना दुखा जाई। हाँ आए भगवान, अगर आज हमार बाप हमरा के फटफटिया चलावे सिखौले रहत तो 3 दिन को मुस्टंडा बेटन के निहोरा ना ना करे के रही। अरे जौने मतारी के 3 दिन को मुस्टंडा बेटा होखे, ओकरे मतारी के कोई मंदिर भी ना ले जाता। हे भगवान, कैसे तहार दर्शन करी? ए हमर नाथ काक। हाँ बेटा चलो, हम लेके चलत हैं। चलबा? हाँ चलो। अच्छा देख देख, ये हमार सर्वन बेटा। और न तका चाबी 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 ला बेटा, चाबी चल। आ गई मंदिर। कहाँ गई? तू कहाँ बड़? कहाँ चाहता वो लोग? बात करवा हमरा से। ए, सुना? तू अपन माई के जिंदा देखल चाहता रहा? तू करा जो हम कहता नहीं। कहाँ चाहता रहा तू लोग? दूर बगल में वो मंडप लगल बा, वो मंडप में दूल्हा की जगह जाके बैठ जो। अबे हम काहे बढ़ जाई? मंडप में आज हमार बिटवा की शादी हो। अरे तो तोरे बेटा की शादी है तो अपने बेटा के बैठाओ, हम के काहे बैठे का तरे? अरे वो तो परेशानी के बात बा, हमार लड़का शहर से शादी के लिए आवत रहे, अबले नहीं खे आए और इधर मुहूर्त बीतल जाता और शादी के मुहूर्त बीत गए तो अगले 20 बरस लड़की के शादी के लगन नहीं खे। ऐसे लड़की वाला हमार मेहरारू के बंधक बना ले ले बा, और अगर मुहूर्त बीत जाए वो हमार मेहरारू के गोली से मार दे। ऐ खातिर जब तक हमार बिटुआ नहीं खे आज तू दूल्हा बन के बैठ जो। अरे हम बैठब तो लोग के पता ना चली कि हम दुल्हन आई। तू ओकर चिंता मत करो, वो लोग कुछ ना जान पाई है। वो कहा है कि लड़की वालन हमार बिटुआ की शक्ल न देख ले। हाँ देखा, तू लोग सही नहीं खा करत। अभी सही गलत सोचे के समय नहीं खे, फिर कुछ समय के बाद बा तोर छटा फेरा होते हमार बिटुआ आ जाई। सुना कुछ गड़बड़ कैला तो अपन माई की जिंदगी से हाथो बैठ बे। चुप बुढ़िया चुप। चला माई चला चला चला। पंडित जी दूल्हा बाबू आ गए ले, जल्दी जल्दी ब्याह करावा। हां 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 भाई। अरे जगमान फेरा लगाई, जल्दी करी जल्दी करी, मोर पीतल जा पा जल्दी करी। मंगल भगवान विष्णु मंगल भगवान दुर्गा मंगल पुण्य का चमन लाए तनो हरि। अब आगे चली आगे चली आगे चली, जल्दी करी जल्दी करी। हां जल्दी करी। मंगल भगवान विष्णु मंगल
अरे बाबू जल्दी करी। हम सिंदूरदान ना करब। जजमान रहुआ कहीं ना। हेलो रुक का गईला। तू तो कातरा लेके छाफेरा में तोर बेटा आ जाए। कहाँ रह गई? चिंता मत करा, ये सिंदूर भी हम अपन बेटे के खाते में डाल दे। अच्छा, ये कोनो राशन के बही खाता का कि ये खाता में से उठा के वो खाता में डाल देबे? चुपचाप सिंदूर डाल। हम ना डालो। ना डालबे? ना डालो। अब अभी तक तो जीवता नहीं बेटा, बाकी आगे के जिंदगी का कोनो भरोसा ना। अरे तू बच गई लू, यहाँ फंस गई नहीं, चला यहाँ से। चल चल आवा, आवा, अच्छा अच्छा। अरे अकेले अकेले कहा जाता नहीं, राउर बहुरिया साथ है लेके जाई। बहुरिया? कमल बहुरिया? केकर बहुरिया? अरे हाई बहुरिया, राउर बहुरिया और केकर। मान ना मान, हम तार मेहमान, ऐसा कैसे बहुरिया है? सुनी, राउर बेटा हमरा बेटी के साथ है, साथ एरा ले ले बा। एकरा मांग में सिंदूर डल ले बा, मंगल सूत्र डल ले बा, एकर सब का सबूत हमरा लगे बा। अगर हमरा बेटी के अपन बहुरिया माने से इनकार कहनी तो पूरा परिवार के जेल भेजवा दे, बुझनी? हाँ भले जेल खटब, लेकिन हम एकरा के अपने संगे लेके ना जाए। चल बेटा चल। सुनी, अरे अरे, ब्याह के बाद अगर एगो लड़की के ओकर पति मंडप में ही छोड़ के चल जाए तो कहाँ जाए? ये दुनिया के काम मुँह दिखाई। कम से कम जाए से पहले हमरा के अपना हाथ से जहर दे के जाई, कहे के बाप के बिना हम ना जी पाए। ऐसे ना कहे के बिटिया, ऐसे कहे कह तारू। भले हमार बेटा तोरा के अपन पत्नी का दर्जा ना दे, बाकी दे हम तोरा के अपन बिटिया बना के रखब। माई चल, आओ ई का बात करता है। चल चल चल। अरे बापू, उतर उतर उतर। बापू तो खेल खेल खेल। कौन हो रहे? हाँ भैया, तार छोड़ भाई, पारस। कहाँ रे टेंगड़ा? हाँ भैया, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गई? अचानक तोरा में इतना बदलाव? बदलाव ना भैया, प्राश्चित कहा, अपना पाप के प्राश्चित भैया। पाप के प्राश्चित? अरे भैया अंदर, हम बैल आदमी भैया, बताई अपना परिवार के गैर समझत रानी। ए भैया, अरे रउआ जौन आग में जरतानी भैया, वही आग में हम जरतानी। ए भैया, अरे वर्तमान के देख के भविष्य की चिंता में जरतानी भैया। अब बताई ना भैया, जवन लड़की ये खानदान का खेवैया रहे, वह वंश का रैया डुबावा में तुरल भैया। ये भैया हम तो कहता नहीं है भैया, ने रउआ का दोसर ब्याह करा दे। अरे हम सपोर्ट करो, छोट भाई है, रउआ से अलग हो सकी रहे। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ये रउआ भैया नौकी भौजी ले आइलन। नौकी भौजी? अरे बड़को, ए छोटको, अरे कहां बड़ू हो आवलोगन, दौरा लिया बा, आरती लिया बा, पतो आइल बिया हो। अरे पतो का संचात लक्ष्मी या लक्ष्मी, तू बतो तरा अभी बैठल रहा है। निमिया अब बेटा पतो नहीं है, ब्याह कैला हा, मांग टिकला हा, तो बेटा कुछ रसम रिवाज ना हो, असगुन ना हो जाए। निमिया की डाली, सब इतना जल्दी कैसे रहे? अरे इतना जल्दी का जरूरत रह लिया है क्या? अब तू लोग के पता रहा क्या कि बोझी आओ थे? नहीं ना। अरे भाई, हम रंगोली फेंके ज्यादा नहीं होई से हमरा हाथ में बा। अच्छा अच्छा। हाँ माँ जी, हम तो ये तो दौरा छत पर डाले जाता नहीं हो, और ये जाता नहीं हो पूजा करे, यही से इनके हाथ में बा। हाँ। निमिया की डार। माई ई के हा? अरे कोको कुछ नहीं रे, अरे मिठाई। मिठाई क्या? हमार पतो आइल बिया। पतो? अच्छा। ला नी रहू, मिठाई खा, ला ला खा। मिठाई कैसा? अरे अरे, वो घरे मिठाई लिया ले ढेर दिन हो गए रहे ना, ऐसे किन के लिए नहीं है। और न तका
ना खाइबो मक्खा मक्खा अरे भैया झूली झूलू उतरा बच्ची की झूली अरे आराम से झूली ना धीरे से रखे है मैं गोड़ ए नंदुआ गाड़ी पकड़ते हैं बेटा तू उतरा मैया मोरी गावेली गीतिया हो बेटा ए मैं गोड़ डाल के तू चला भाग यहाँ से झूली झूली ना भैया के भाई चाचू बढ़िया कर ले बेटवा दूसर भी आके ले ले बहुत बढ़िया पता ना एक इतना मेहरारू कहाँ से मिल जाली हो जहाँ जाला एगो उठा के लिया वाला मैया मोरी गावेली गीतिया अरे वाह कितनी महान है रितु तेरा दिल तो समुंदर से भी ज्यादा विशाल तेरे विचार आसमान से भी ज्यादा ऊंचे त्याग और बलिदान की साक्षात मूर्ति है रितु जो ये जानकर इस घर में आ गई कि तुझे ये घर तो मिलेगा पर संसार नहीं तुझे पति तो मिलेगा लेकिन पति का प्यार नहीं तुझे मन का सुख तो मिलेगा लेकिन तन का नहीं तेरी मांग तो भरेगी लेकिन गोद नहीं तुझे यहाँ बहू बेटी चाची दीदी मामी काकी बुआ सब कहने वाला मिल जाएगा लेकिन माँ कहने वाला कोई नहीं मिलेगा कहा कहा तारी के पारी ए बुढ़िया बताओ 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 का ही नहीं कि मैं इसकी सौतन हूँ ना ना हमारे पास सुना बस सुना हाँ बताओ तानी चला अंदर चला बताओ तानी तो पेशाब अरे 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 तानी बापा अरे बापा पे काहे मुंह तारे रे अरे नीरव भैया तू सरकी भौजी ले आइल बाड़े ना ऐसे मुंह तेलस ना वो भी दुगुना अरे तई निरहुआ जब जब भी आ करी तब तब मोर लड़का मुती है का मोर ऊपर और न त का अरे रुका तनी के बताओ थियो क्यों रे सौतन तो अभी तक यहीं पर है गई नहीं अरे हम काहे जाए ये हमार घर है हम यहीं से रहे और अपन संसार बसाई सुन मुहे में करखा पतवा खातिर तैयारी कर ले ए बुढ़िया तू क्या समझती है तूने इसको पटा लिया तो तेरा हर अरमान पूरा हो जाएगा कभी नहीं नीरव वो मेरा पति है मेरा इस चिपकली का कभी भाव नहीं देगा तेरा कोई सपना पूरा नहीं होगा अरे हम पूरा करें बम्मा जी के सपना हम देवी खानदान के वंश और वो एगो ना पूरा एक दर्जन और ओकरा बाद तोहरा के नौकरानी बना के अपना लेकन के टट्टी धुलवाई टट्टी धुलवाई बड़ा हिली है बतिया वे जिंदगी जंडबा फिर भी तो मंडबा अम्मा जी सुहागरात हमार हो लचाए के बिराए के हमरा के चाही तब रहुआ काहे लचाता नहीं अरे बकलू ले बड़ू का एकदम से उडेनिया घर में भी है ना अगर सामने होकर छाया पड़ गई ना तो बन लो काम में बिघन पड़ जाए चल हाँ, चल, चल। जा जा लेकिन अम्मा जी हमरा लाज लागत आ हो गई गुड़ गोबर अरे समझा कर के अरे आज लजाइबू तो पूरा जिंदगी लजाते रह जाइबू गिरा दे तू इलाज शरम की दीवार और जा अपना सैया जी पे चलावा अपना हुस्न के वार जा ए नंबर टू निरवा मेरा पति है मेरा तेरा कुछ नहीं होने वाला समझी अरे तुम्हारा कितना तू शांत रहा जा जा मेरी जान
कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, सब कुछ है। बाजी मार ले ले कोरा भर के, क्या रे बुढ़िया की दुम छल्ली नंबर टू कैसे बोल रही थी? कमर दुखाता, भूल गई चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है। मतलब मतलब चल तुझे दिखाती हूँ। अरे सुना, अरे सुना सुना, ये क्या है चटाई इधर पलंग उधर, हाँ बढ़िया सुहागरात मनाने। हाँ? ए बुढ़िया तेरी फुसफुसिया से कुछ नहीं होगा, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं। निरवा मेरा पति है, मेरा मुझसे प्यार करता है, इस निठल्ली को तो भाव भी नहीं देगा। अबे बुढ़िया अभी भी हार मान ले, पोत ले काले खपने मुंह पर।
टीचू टीचू कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा सब कुछ होगा सब कुछ अम्मा जी अरे अरे बिटिया ऐसे दिल करा ऐसे दिल छोटा मत करा अरे एक बार खाली चल गलता का भल वार पर वार कर जा कौनो वार तने साना पलागी अम्मा जी बिटिया जल्दी लगी जरूर लगी अवस्था चुंबन क्रिया तथा इसकी भेद आए अरे दीदी क्या हुआ अच्छा ता आजकल काम सूत्र के किताब पढ़ल जाता हम हो कहे कि आजकल सजिए का दरवाजा बंद हो जाता दीदी की तबीयत दे दी ना और आप तो ये हम हूँ पूरा किताब पढ़िए के देम दीदी अरे दीदी दीदी अरे ना ना हम ना दे दीदी ना अरे दी ना अरे ना ना दीदी कहाँ भागा जाता रू तनी एक कप चाय बनावता जी बाबूजी ए दीदी दीना की तबीयत वहाँ का मांगे तो हम क्या कहे अच्छा किताब कैसा बाबूजी बाबूजी पूजा के सब सामान ले आई नी हाँ ठीक है ठीक फल मिठाई घी दूध सब ले आई नी और कुछ काम हो तो हमरा के बता दी बाबूजी ई तुहार हो हाँ हाँ ना 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 हे भगवान अब कोई माई ए सुकुमार अरे सुन रे हां माई कल पुनवासी ह कथा कहे के पंडित जी से कहले रहले ह हम भुला गए नी माई अरे तो जो कह दे कल पुनवासी ह कथा कहे के बुझाइल और लौटत बखत ठाकुर के कह दी है कि सबके बलौटा दे दी है ठीक बा माई अरे एने ना ओने जो हां हां माई बहू चाय बना लो हो हाँ बाबूजी बना बता ली हाँ ची 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 अम्मा जी रवा कहाँ दिखा होता नहीं रवा लाज नहीं खिलागत और ये बच्चा तो औरों के दिखे खातिर थोड़े नहीं देनी है क्या नया खराब हो गिलबा हां समझ में नहीं क्या बात बार-बार समझ लेने के बाद भी चल निकल बाहर चल निकल चल लागा का गोद नहीं भारी है आमा के करौर में
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बहू के बुलाई, पूजा के समय बीतल जा रहा बा। आयल। हाँ भैया। किरण के बुलावा पूजा पे बैठे के बा। ठीक बा भैया। मुझे तैयार होने में आधा घंटा टाइम लगेगा, इंतजार करो। पंडित जी आ गई ना, लोग आ गई ना, मुहूर्त निकल जाता, अब उनके आधा घंटा क्यों बैठ के जो ही। चल चतनिया भाई, पंडित जी पूजा शुरू करें, चल। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। ये बुढ़िया 2 साल से सत्यनारायण भगवान के पूजा ना करौलस, आज न जाने ऐसा का हो गई कि उस सत्यनारायण भगवान के पूजा करा रहल बाड़ी। कहीं ऐसा तो ना कि दूरों सोतीन में सुला करा दलस। अगर कहीं ऐसा हो गई होई तो हमने के कैल कराइल पर पानी फिर जाई। एक लफड़ मरम लफड़ा ही में कितना बिरखंड की रिस्क मत ले, रिस्क मत ले, निरहुआ के नपुंसक बना दे। लेकिन ना अगर ऐसा हो गई ले चुनिया तो याद रख, तोरा से भीख मंगवाई और हम बैठ के खाई पकड़ पकड़ कर ले। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, माता पिता की जय। जजमान अपन बड़न के आशीर्वाद ले ली। खुश रहा बेटा। खूब खुश रहा। खुश रहा, खुश सदा सुहागन रहा। अरे तू धनला पूतन पाला ए दुलहिन। ए, अरे किधर जा रही है, मेरा भी पैर छू। हम ना छुए। क्यों नहीं छुएगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ। अच्छा, खाली बातें में बड़का बड़ी हूँ बड़ी हूँ, बड़े बारू तो बड़ने कामों तो करा। ए भूल गई, इस देश में दूसरी बीवी की औकात क्या होती है। मेरी दी हुई भीख की खुशियों पर ऐश करने वाली घटिया औरत मुझसे जबान लड़ाती है। अरे देखा था रे, एक अरे तेरी हिम्मत बढ़ गई क्या, भी हाथ छोड़ दिया। अरे आज तेरे नेकी बहुरिया के मरलस, कल तेरे मतारे के मारी, परसों तेरे बाप के मारी, और तय खड़ा होकर खाली तमाशा देख। बारे भगवान कैसन कैसन दिन देखे के परोता। किरण तुहार दिमाग खराब हो गई बा, ये सब का करता रू। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ। आज तक तो ये चाय बास पूरे परिवार वालों को पुड़िया खिला रही थी, आज आपको भी खिला दी, इसीलिए आप इसके साइड ले रहे हो। देखा तू गलत के लिए बाड़ू, चुपचाप एकरा से माफी मांगा। माफी वो भी इस बच्चलन से। बहुत हो गई। चल तू नहीं जाए, लोग अपने अपने घर जाए। हाँ आजकल के पतोहन का तो कुछ समझे मैंने, क्या होते हैं बहनिया कोरे 1 किलो घी 4 दिन में खत्म कर दला सन। अरे अब निरहुआ खातिर हमरा के घी भंडार घर से ले आओ के पड़ी भगवान। ओहो दुल्हीन दुल्हीन ला बचवा, हमार सवेरे से कुछ न के खेले हुआ है ना, ला आज ना खूब मन से एकदम गिरा दिया, मतलब किया दिया है ना। किया दिया है।
किया। आई हो दादा, आई हो दादा, आई हो दादा, अचके में का हो गइल, जब से तोरा से मोरा बिया हो गइल। आई हो दादा, अचके में का हो गइल, जब से तोरा से मोरा बिया हो गइल। चौका बर्तन करे भोर भोर राजन चूल्हा जरे। आई हो दादा, आई हो दादा, आई हो दादा, अचके में का हो गइल, जब से तोरा से मोरा बिया हो गइल। आई हो दादा, अचके में का हो गइल, जब से तोरा से मोरा बिया हो गइल। कैसे बताए सजन जब छुआ बदन तासी हर जाए मन। आई हो दादा, आई हो दादा, आई हो दादा, अचके में का हो गई, जब से तोरा से मोरा पिया हो गई। जी, तनी उल्टी होता। उल्टी होता, उल्टी होता। अरे बिटिया, उल्टी होता। अरे अब ते देख, पूरा गांव बुलाइब, मिठाई बांटब, नाचब गाइब, खुशी मनाइब, तोरा के चराइब। अरे पहली काम आई जो किनारम बाबा कैसे तबीज बनवा के लिया, का पता है डाइन का हमरा पतो का कोख मार दे तब। सही कहा तारी, कुल खात दिन कहेंगे। चल ये तेरा कैसा न्याय है भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है।
जिसने इस घर को वंश देने के लिए इतनी बड़ी तपस्या की, आज तूने उस तपस्या का ये फल दिया, उसमें लाछ लगवाया कि वो इस घर के वंश को नाश कर सकती है। क्या कसूर है मेरा? यही ना कि मुझे कैंसर है और मैं मरने वाली हूँ, यही ना कि मैं इस भयानक बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया, मेरे देवता समान पति का दिल तोड़ा है मैंने। मैं ऐसा नहीं करती तो क्या करती? अगर मेरे पति को सच्चाई पता चल जाती तो जीते जी मर जाते, लेकिन उससे शादी कभी नहीं करते और इस घर को कभी भी वंश नहीं मिलता। इस छोटी सी जिंदगी में तूने बहुत बड़ी परीक्षा ले ली भगवान, अब और परीक्षा मत ले। मैं एक इंसान हूँ, तेरी तरह भगवान नहीं हूँ। मैं तुझसे अपनी उम्र बढ़ाने की मांग नहीं कर रही हूँ, वैसे बस थोड़ी सी जिंदगी की भीख दे दे भगवान, ताकि मैं इस घर के वंश को देख सकूं, गले लगा सकूं और मेरी तपस्या सफल हो जाए। भगवान कैसे पता कि तोरा के कैंसर हो? कैंसर मुझे नहीं तो छुपावे की कोशिश मत करा, सच सच बताओ तोरा के हमार के रिया। बताओ किरण, बताओ अमराज। अपनी सुहागरात के दिन जब मैं सजते हुए अपने अरमानों को सजा रही थी, तब मेरी सहेली सोनिया का फोन आया। हाय सोनिया। बेटा मैं डॉक्टर मकवाना बोल रहा हूँ। ओ अंकल आप। बेटी मैं तुम्हारे पापा को फोन लगा रहा था पर Not reachable आ रहा था। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा पर मैं मजबूर हूँ बेटा। अंकल आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना। बेटी तुम्हें यूटेराइन कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। हम चाह के भी तुम्हें नहीं बचा सकते बेटी। अंकल क्या मेरी इतनी जिंदगी बची है कि मैं माँ बन सकूं? इस जन्म में तो तुम मां नहीं बन सकती। हेलो किरण बेटी। अंकल मेरा एक काम मानोगे? हाँ बेटी बोलो। तो आप वचन दीजिए कि इस बीमारी के बारे में हम किसी को भी नहीं बोलेंगे, पापा को भी नहीं। बहुत अभागा बानी हम, बहुत अभागा बानी। भगवान हमरा प्यार के बारे में रखी, भगवान इनका सारा दुख हमके दे दी, भगवान इनका सारा दर्द हमके दे दी, भगवान इनका मौत भी। ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। भगवान ने मुझे इस जन्म में सौभाग्य नहीं दिया पति धर्म निभाने का, लेकिन मैं भगवान से विनती करती हूँ अगले जन्म में सौभाग्य जरूर दे दे, तन मन और लगन से आपकी सेवा कर सकूं। आपको मेरी कसम है ये बात आप किसी को नहीं बोलेंगे, अगर चांदनी को पता चला तो उसे बहुत दुख होगा, वो मां बनने वाली है ना।
जाता हनारा तन तेल ठंडवा, आ जाता हनारा तन तेल ठंडवा। माजी के पास सबके आशीर्वाद लेने की चाहिए। अरे 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 ये का कतर दुल्हन ये कुलघातिन का गोड़ धरता रू उसे कहा भाई लम्मा जी यापन सुहाग बटले बाड़ी तबे तो हम सुहागिन बानी कहा बोलो तो जा कोना पकड़ के रो चल चल मुकर चल हास तोर सारा घमंड चूर चूर हो गई अरे तोरा लाख सरपले के बाद भी भगवान हमार मुंह उजियार के देना हमार हलबाई खानदान का वारिस तोरा अरमान पर पानी फेरे खातिर खाली अरमाने पे पानी फेरे ना माजी एकरा छाती पे किल्ला गाड़े खातिर हे माई मुंह तो देख बुझाता कि विपत पड़ल बा विपत तो पड़बे ना करी बिटिया अरे एकर हर जवन हो गई और हमार हमार जीत जवन हो गई अरे माई बहन लोग अरे माई बहन लोग हमार मुंह का देखा था नहीं है अरे वो पर जुबनी है जोन दिन रात हमरा पतों के ताना मारत रहे थूका लोग थूका करे मुंह पे भाई का कर तर तू अरे वाह आज माई के बात पर तो तोहरा मुंह से बोली निकल गई अजय ये माई की इज्जत उतारत रहे तहिया मुंह में दही चामल रहे देखा तू लोग ही ठीक नहीं खुकरत लोग अरे तू लोग का पता नहीं कि ए माजी देखत का बानी ली लगाई करी खाई करा के ले जाई लगाई लगा दी रवा जिनका मुंह में करी का पोतल चाहता नहीं आज उनका चलते रावण मुंह जियार भइल बा अम्मा जी एकरा चलते ए कुल घातिन के चलते हमार मुंह जियार भइल बा अरे पगला गल बड़ुका हो ये गलत नहीं की अम्मा जी ये तो बस गलत होके के नाटक कैली ताकि रावण बेटा दूसर ब्याह कर सके हमरा से प्यार कर सके
और एक खानदान के वंश मिले। हम तो इनके बहकावा में आवा वाला नहीं थी। औस तेकरा के हम करखा पोत के रहब, जैसे ही शर्म से पानी पानी होके मर जाए। अम्मा जी, जे खुदे मरे वाला बाड़ी, ओकरा कम से कम मरे के बद्दुआ तो मत दी। अरे ये सब झूठ सच बोल के कौन नाटक फंदा रहो? हम झूठ नहीं की बोला था अम्मा जी, ते देखे कैंसर बा। काकर कैंसर? हाँ माई, और अभी बस कुछ दिन के मेहमान बाट। कुछ नहीं क्यों हो सका, हम डॉक्टर से बात कर ले बानी, अब इनके बचाव मुश्किल बा भाई। अभी अगर इनका खातिर कुछ कर सकता रहो तो इनके खुश रख लो, खुश रख लो इनके। अपने को बनाया लगे ऐसन समय के खेला, साथ में मेला के रहते लक्ष्मी हो बंधन की तोड़ के, कबहू न जई है बहु हमनी के छोड़ के, कबहू न जई है बहु हमनी के छोड़ के, कबहू न जई है बहु। सोही के दुख नहीं बटलू दीदी की
ज्ञान रहित थे हमरे हाथ में खेली सारा इनकर सांस टूटे थे पहले रोक देती वक्त के धारा कंधे पर ढोया तुझको कंधा यह तोड़ के कभी भी न जाना बेटी पापा को छोड़ के कभी भी न जाना बेटी पापा पापा अब ऐसे रो रही हो जैसे मैं कल ही मरने वाली हूँ जस्ट चिल शट अप मैं तो सालों साल जीऊंगी मेरी अच्छी बेटी गले पापा मेरी प्यारी बेटी झूठे पापा मेरी सुंदर बेटी टकले पापा पापा बेटी हम ना सुते ओकनी के जहर दे के सुताए गिरधारी यादव के घर के अगर मरघट ना बनवनी ना तो हमरा ना टेंगड़ा यादव ना टेंगड़ा यादव अरे चुप करा अरे तोहार विनाश काले विपरीत बुद्धि को चुप अरे अभाई नु घर में ना दवा खाने में बिया हर केहू ओकरा आगे पीछे घूम रहल बा कुछ दिन बीत जाएदा सब खुल्ला हो जाई ओकरा बाद हम मौका मिलते ही विनाश कर देब वंश के नाश कर देब मैडम 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 आपके पति ब्लड लेने के लिए बाहर गए ये दवाई आप मेडिकल स्टोर से ले आइए कहा बा रे देखे कहा बा देखा ठीक से आज अगर मिल गई ना तो निराहुआ के वंश का अंत यही अस्पताल में हुई कहा गए रे खोजा ठीक से कहा गए लू आज तू बच के कहाँ जाइबू टटुआ उड़ा दे रे
बा ढेर दिन पे कहलू बतावा जा बतावा जा बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान कौना बदरी में छिपल रहलू बतावा जान।